नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है नीट 2019 ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 काउंसलिंग के बारे में। तो राउंड 1 जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और बस एक ही दिन बाकी है रिपोर्टिंग कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, राउंड 2 की एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में, यानी कौन से स्टूडेंट राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए। तो यहाँ पर MCC के ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाएं MCC.NIC.IN तो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसी में से मैं आपको शेयर कर दूंगा और आपको ये बता दूंगा कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 32 हम देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कौन से स्टूडेंट राउंड 2 के लिए एलिजिबल हैं और क्या जॉइनिंग ऑफ कॉलेज कंपलसरी है राउंड 2 में एलिजिबल होने के लिए। तो सबसे पहली बात, अगर आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है और आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। आप सभी स्टूडेंट 100% एलिजिबल हो राउंड 1 में अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है और आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही नहीं चाहते तो रिपोर्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीट कंफर्म करना चाहते हो, यानी आप सीट रिजर्व करना चाहते हो, तो आप उस कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग कर लीजिए और सीट आपके लिए रिजर्व हो जाएगी। उसके बाद आप राउंड 2 में भी अपग्रेडेशन के लिए पार्टिसिपेट कर पाओगे, तो उसमें कोई इशू नहीं है। उसके अलावा उन स्टूडेंट के लिए जिनको राउंड 1 में कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, आप सभी स्टूडेंट 100% एलिजिबल हो राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए। रजिस्ट्रेशन राउंड 2 के लिए सिर्फ उन स्टूडेंट को करना है जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। यानी आप राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किए, चॉइस फिलिंग नहीं की, तो आपको राउंड 2 में न्यू रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। फीस जो है आपको देनी पड़ेगी और उसके हिसाब से आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे और अलॉटमेंट रहेगा। और उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने राउंड 1 में सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए आउट किया था, यानी सिर्फ 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट दी थी, अगर आप राउंड 2 में डीम यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन वापस करना पड़ेगा। डीम यूनिवर्सिटी के लिए और 2 लाख रुपीज़ जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट है वह आपको फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप डीम यूनिवर्सिटी में चॉइस फिलिंग कर पाओगे। एलिजिबल सभी स्टूडेंट रहेंगे। अगर आप ज्वाइन करते हैं या ज्वाइन नहीं करते हैं, आप सभी स्टूडेंट राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। बाकी सब डिटेल आपको फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में मिल जाएगी। तो इतना सा इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।